लास्ट मॉनसून सीजन के एंड पे मेरे पहले ट्रैक पे मैंने ये अद्भुत व्यू देखा था। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अगले मॉनसून सबसे पहले कोई ट्रैक करेंगे तो वो कालू वॉटरफॉल ट्रैक होगा। एंड फाइनली दैट टाइम इज हियर। इट इज टाइम टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल मैग्निफिसेंट कोलोसल कालू वॉटरफॉल। तो मुंबई से 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम एक अलग ही मैजिकल से एरिया में पहुंच गए जहां क्लाउड्स के बीच से पहाड़ निकल रहे थे एंड चारों तरफ बस नेचर ही नेचर था। एंड इसी नेचर के थ्रू ड्राइव करके हम एक विलेज वाले रास्ते तक पहुंचे। बारिश की वजह से रास्ता काफी खराब था एंड काफी जगहों से टूट सा गया था, बट विलेज के ऑसम व्यूज एडमायर करके स्ट्रीम्स के थ्रू एंड पथरीले रास्तों पे कुछ देर ड्राइव करके हमें कालू वाटरफॉल के ग्लिम्सेस मिलने लगे। So you can see this amazing waterfall which looks like so beautiful from here. I cannot wait to go like near it. So yeah. And हमें finally उस direction में वहाँ पे कालू waterfall दिख रहा है and अंकिता बहुत ही खुश है, बहुत ही excited हो गई है वो waterfall को देख के and काफ़ी सही spot है। अभी भी हम road पर ही है, हमें थोड़ा और आगे जाना है but waterfall यहाँ से दिख रहा है। And finally it was time to begin the Kalu waterfall trek. तो लास्ट ईयर के मॉनसून सीजन के एंड में मेरे बहुत सारे वाटरफॉल ट्रैक्स देखे थे यूट्यूब पे, कुंभे वाटरफॉल, कालू वाटरफॉल एक्सेट्रा, और मुझे बहुत ही ऑसम लगे थे। बट जब तक मैंने ये सब व्लॉग्स देखे तब तक सितंबर हो चुका था और मॉनसून सीजन ऑलमोस्ट एंड पे था, लेकिन मैंने लिस्ट बना ली थी कि मैं नेक्स्ट मॉनसून सीजन पक्का से सारे वाटरफॉल ट्रैक्स एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और मैंने वो लिस्ट को अपने दीवार पे पेस्ट कर दिया था और ये मैंने अपने लिए टाइमलाइन बनाया था कि अगस्त 1 से सितंबर 15 2023 को हम मॉनसून और वाटरफॉल ट्रैक्स करने वाले हैं। और इसके अंदर मैंने ये सारे ट्रैक्स की लिस्ट बनाई थी जो मुझे करने हैं। एंड उस पे लिस्ट पे नंबर 1 कालू वाटरफॉल था जो कि हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मेरे साथ मेरी दोस्त अंकिता आई है जो आगे ट्रैक कर रही है एंड हम थर्सडे को आए हैं विच इज़ अ वीकडे, इसलिए लोग कम होने वाले, बट आज भी हमें एक दो ट्रैकिंग ग्रुप्स मिले अभी सुबह सुबह एंड आई थिंक जैसे और दिन बीतता जाएगा और भी ट्रैकिंग ग्रुप्स आएंगे। सो लेट्स गेट द कालू वाटरफॉल ट्रैक स्टार्टेड। ये ठीक है, हमने गाड़ी पार्क की और स्टार्ट करते ही हम ऐसे पडल्स के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीम्स है और वहाँ पे अंकिता हमारे सामने जा रही है एंड जस्ट लुक एट द मैग्निफिसेंट व्यूज ऑल अराउंड, इट लुक्स रियली रियली क्रेजी। ठीक है, ये हम हमारे फर्स्ट पॉइंट तक पहुँच चुके जो हमने अनिरुद्धा पाटिल के ब्लॉग में भी देखा था। तब बारिश कम थी तो ये स्ट्रीम इतना भरा हुआ नहीं था और लोगों ने बाइक लेके जाके वहाँ तक पार्क की थी, बट अभी हमें आई थिंक सबसे पहले ये स्ट्रीम क्रॉस करना है विच इज़ ऑलरेडी लुकिंग अ लिटिल क्रेजी एंड अंकिता इज़ रेडी। Ankita is carrying too much stuff. Yeah. And now she'll somehow cross this stream. And पहले ही स्ट्रीम क्रॉसिंग में मेरे शूज में पूरा पानी भर गया है एंड अभी मैं शूज में से पानी निकाल रहा हूँ जब तक अंकिता अपने ट्रेकिंग पैंट्स वगैरह वापस पहन रही है। ये रास्ता है, यहाँ से बंद है ताकि हमें पता चले कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है जहाँ पे अंकिता जा रही है एंड यहाँ पे एक और स्ट्रीम आ चुकी है एंड ये बहुत ही छोटी सी है और ये हम क्रॉस करके जा रहे हैं। बट कितने क्यूट क्यूट और काफ़ी ध्यान देना होता है इन सब स्ट्रीम्स पे बिकॉज बारिश के वक्त स्लिपरी होता है सब कुछ विच यू जस्ट सॉ। एंड स्ट्रीम क्रॉस करते ही ये व्यू हमें दिख रहा है, सामने पहाड़ है, पहाड़ के जो टॉप है वो ऐसा फॉग से कवर्ड है, इट्स ऑल लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो गई अचानक से, सब कुछ भीग रहा है, ड्रोन भीग रहा है, ड्रोन का बैग भीग रहा है, बैटरी भीग रही है। यहाँ अंकिता मुझे अपनी जैकेट से बचाने की कोशिश कर रही है बट कुछ वर्क नहीं कर रहे और अंकिता खुद भी भीग रही है। काफी क्रेजी आइडिया था ड्रोन उड़ाना, जैसे ही ड्रोन उड़ाया वैसी बारिश हो गई और अब हम सब कुछ पैक करके वापस जाने की कोशिश कर रहे, थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश कर रहे। ओके, दिस इज मी, दिस इज अंकिता हेल्पिंग मी, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, फोन किसको हेल्प कर रहा है, बट ठीक है लेट्स गो। ओके
एंड अब काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है एंड अंकिता अपना बैग कवर करिए और उसको फिर रेनकोट भी पहनना है, काफ़ी क्रेजी हो गया। एंड जैसे ही मैंने ड्रोन उड़ाया वैसे ही बारिश हो गई और हम लोग पूरा भीग चुके हैं अभी, और अंकिता ने रेनकोट वगैरह भी पहन लिया जो आपने देखा, वो अब पूरा ड्रेस थे उसने अपना बैग कवर कर लिया, रेनकोट से खुद को कवर कर लिया है और नीचे पैर भी कवर कर लिए। सो लेट्स कंटिन्यू आवर ट्रैक ये। एंड अब हम ट्रैक करते करते फॉरेस्ट एरिया के थ्रू जा रहे हैं एंड अचानक से काफ़ी डेंस हो गया है जंगल और यहाँ पे लाइट भी काफ़ी कम हो गई है और काफ़ी क्रेजी लग रहा है, एकदम जंगल वाइब्स आ रही है। अंकिता ऐसे चले जा रही है जंगल के थ्रू, क्रेजी बारिश होते ही जा रही है और अगर ऐसी बारिश होती रही तो पता नहीं हम वाटरफॉल तक जा भी पाएंगे कि नहीं, बट काफ़ी क्रेजी है। एंड दिस इज़ मी वॉकिंग ऑन द ट्रेल इन द रेन, काफ़ी ऑसम और यूनिक एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी आई थिंक कोई ट्रैक नहीं किया जिसमें इस टाइप से बारिश हो रही हो, तो ये बहुत ही ऑसम मॉनसून ट्रैक एक्सपीरियंस है मेरे लिए और अंकिता के लिए भी, और आई थिंक ये अंकिता का फर्स्ट व्लॉग भी होने वाला है, सो यू गाइज कैन चेक आउट हर चैनल एज वेल। यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू है, कालू वाटरफॉल भी दिख रहा है, एक और वाटरफॉल भी दिख रहा है और काफ़ी क्रेजी लग रहा है सब कुछ। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो यहाँ से काफ़ी क्रेजी ड्रोन शॉट्स आ सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, रियल लाइफ में और भी अमेजिंग लग रहा है। एंड आई थिंक एवरी वन शुड कम टू दीज वाटरफॉल्स, दैट इज़ अंकिता जस्ट एडमायरिंग द व्यूज ऑफ द टू वाटरफॉल्स, टू एक्सट्रीमली मैग्निफिसेंट एंड क्रेजी वाटरफॉल्स। एंड एक औसम चीज़ ये भी है कि यहाँ पे दो साइड पे दो वाटरफॉल्स है और दोनों ही बहुत ही बड़े और मैग्निफिसेंट है, एक कालू वाटरफॉल है, दूसरे वाटरफॉल का नाम मुझे पता नहीं है बट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एंड हम कालू वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। कितना फैसिनेटिंग लग रहा है, यहाँ पे रिवर है और वहाँ पे कालू वाटरफॉल है, कितना क्रेजी लग रहा है। एंड इट इज़ ऑल कवर्ड इन क्लाउड्स, ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स के थ्रू ऐसे हेवन में से वो वाटरफॉल स्टार्ट हो रहा है, इट लुक्स जस्ट इनक्रेडिबल। दिस इज अंकिता वॉकिंग टुवर्ड्स द वाटरफॉल एंड वी आर रिज्यूमिंग आर ट्रैक एंड स्टिल वॉकिंग टुवर्ड्स द कालू वाटरफॉल। एंड यहाँ पे वीकडे के दिन भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं, आई थिंक 100 लोगों के आसपास तो हमें ओवरटेक करके आगे जा चुके हैं ऑलरेडी, एंड फिर भी हमें काफ़ी सारी स्पेस मिल रही है खुद के लिए, लाइक वी बीन ट्रैकिंग अलोन एंड काफ़ी सही लग रहा है। वहाँ पे कुछ लोग पत्थर क्रॉस करके दूसरी साइड तक जा रहे हैं रिवर के, जो हम भी जाने वाले हैं। ठीक है, हम वो पत्थरों के थ्रू नहीं गए क्योंकि रिवर का फ्लो थोड़ा ज़्यादा था, तो वहाँ पे जो लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि वहाँ से क्रॉस नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा आगे जाके रास्ता ढूंढ रहे क्रॉस करने का। एंड कुछ लोग बाइक्स पे आए और वो यहाँ तक इतनी दूर तक बाइक्स लेके आए, उन्होंने कुछ कुछ स्ट्रीम्स थी वो बाइक के थ्रू ही क्रॉस की एंड काफ़ी दूर तक वो लोग अपनी बाइक्स ले आए, काफ़ी कूल है। एंड यहाँ पे सारी दुकानें वगैरह है जहाँ पे खाना मैगी पानी भुट्टा वगैरह मिलता है, थिंक ये जस्ट क्रॉसिंग वाले पॉइंट पे। एंड यहाँ से हम लोग क्रॉस करने की कोशिश करने वाले हैं, एंड अगर क्रॉस नहीं भी होती ना तो वहाँ से एक रोप वे स्टार्ट हुआ है जो 100 रुपये में दे विल गेट यू अक्रॉस एंड वापस, तो 100 रुपये में दोनों हो जाएगा। काफ़ी डीप पानी था कि यहाँ तक मेरी पूरी पैंट अंदर चली गई थी एंड दीज गाइज रियली हेल्प अस आउट विद क्रॉसिंग द रिवर एंड दैट्स अंकिता आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर टेकिंग केयर ऑफ हर फोन्स एंड स्टफ क्योंकि बहुत बहुत डीप था। वहाँ पे हमने दूसरी साइड से मैगी मंगवाई थी थोड़ी सी, तो वो मैगी आ रही है जिसमें हम लोग फ़ोन डालने वाले हैं एंड अंकिता का फ़ोन होपफुली ठीक हो जाए, होपफुली। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, इसके पास दो फोन थे, एक आईफोन और एक एंड्रॉयड फ़ोन एंड दोनों ही इस वक्त नहीं चल रहे हैं, सो कमेंट बिलो व्हाट डू यू थिंक कि ठीक हो जाएंगे या नहीं एंड वील फाइंड आउट वीडियो के एंड तक कि क्या होता है। एंड मैगी आते सारे ही काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे, तो अभी हम बारिश के रुकने का वेट करें एंड फिर हम मिशन मैगी करने वाले हैं।
आज एक्चुअल एडवेंचर हो रहा है हम लोगों के साथ, काफी एडवेंचरस हो गया ये ट्रिक, जितना हमने इमेजिन किया था उससे काफी ज्यादा एडवेंचरस। Okay, अंकिता ने न्यू रेनकोट पहन लिया, शी इज रेडी टू गो, एंड मैंने भी रेनकोट पहन लिया क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मैं काफी भीग चुका था, एंड अब हम फाइनली कालू वाटरफॉल की तरफ जाने वाले, सो लेट्स गो। ये एंड दैट इज अंकिता, शी इज गोइंग, उसके दोनों फोन मैगी के बैग्स में, एंड हम कालू वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। सो सब्सक्राइब टू हर चैनल फॉर हर फोन्स, क्योंकि उसने अपने फोन्स की बलि चढ़ाई इस ट्रैक के लिए। एंड जैसे जैसे हम लोग वाटरफॉल के पास तक जाते जा रहे ना, जो वाटरफॉल की फोर्स है ना वो एक्चुअली फील हो रही है, क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है। एंड ये ट्रेल ऊपर की तरफ जा रही है, एज यू गाइस कैन सी, एंड अंकिता आर ट्रैक लीडर फॉर द डे इज लीडिंग, एंड मैं बस पीछे पीछे चल रहा हूँ। दिस इज व्हाट वी आर वॉकिंग ऑन। एंड वहाँ सामने कालू वाटरफॉल का जो फोर्स है वो पूरा फील हो रहा है, काफ़ी क्रेजी और काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है, स्केरी भी लग रहा है, ब्यूटीफुल भी लग रहा है, दोनों एक साथ लग रहे हैं, काफ़ी मस्त। एंड यहाँ नीचे अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, कालू वाटरफॉल की क्रेजी आवाज़ आ रही है, ये जो पानी नीचे गिर रहा है कितने फोर्स से जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द कालू वाटरफॉल, एंड अभी हमें और आगे तक जाना है एंड और स्टेप्स देखने हैं कालू वाटरफॉल के। यार सच्ची में अलग ही स्केल है इस कालू वाटरफॉल का, यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ग्रैंड और मैग्निफिसेंट लग रहा है, यहाँ पे जो ट्रीज़ है, जो ग्रास है, जो पत्थर है, सब कुछ बहुत ही बड़ा लग रहा है, एंड बहुत ही ऐसा लग रहा है हम एक मिस्टिकल मैजिकल वर्ल्ड में आ गए हैं, लाइक इट इज़ एक्चुअली लुकिंग सो सरियल, सो मैजिकल, बहुत ही ऑसम ट्रैक। लुक एट दैट, अंकिता लीडिंग द वे एंड वो जा रही है, काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, अचानक से ये ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है, एंड अंकिता वहाँ ऊपर चढ़ रही है और काफ़ी स्लिपरी, काफ़ी पत्थरों के ऊपर चढ़ना वगैरह हो चुका है, काफ़ी क्रेजी, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। काफ़ी क्रेजी ट्रैक हो गया है, हमें हर मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि इससे आगे कैसे जाएंगे, और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया ये ट्रैक। इज दिस द डेड एंड? अंकिता बोल रही है कि इसके आगे हम जा ही नहीं सकते, एंड लेट्स सी, ठीक है थोड़ा सा आगे दिख तो रहा है, लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं हम। बेसिकली अब हमें हर जगह डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें कहाँ से जाना चाहिए, लाइक दिस वॉज वन रूट, दिस इज़ अनदर रूट, दिस इज़ वॉट वी हैव चूजन बिकॉज दिस एक्चुअली लुक्स ईजियर, सो लेट्स सी, एंड दिस वन लुक्स टू क्लोज टू द रिवर, एंड रिवर इस वक्त काफ़ी क्रेजी लग रही है, सो लेट्स कीप गोइंग अप। फाइनली हमें कुछ लोग दिखे जो वहाँ से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमने जब से ये डिफ़िकल्ट पार्ट स्टार्ट किया है तब से ये फर्स्ट टाइम हमें लोग दिखते हैं, एंड हम देख रहे हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, एंड कुछ लोग वहाँ नीचे से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हिमेंद्र और मनीष, इन दोनों ने हमें बताया कि वहाँ आगे जाके व्यू पॉइंट है, बट जो एक्चुअल वाटरफॉल के नीचे से जाना है वो नीचे से रास्ता है, जो अभी बहाव बहुत तेज़ है तो हम नहीं जा पाएंगे, तो थैंक्स टू डेन हमें हेल्प करने के लिए। ये तो पर वाटरफॉल के अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो फ्लो है वाटरफॉल का बहुत तेज़ हो चुका है बारिश की वजह से, एंड आपने देखा है कितनी बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ फ्लो हो गया है, तो जो लोग पहले आए थे वो लोग तो नहा लिए थे, बट हम आई थिंक हम नहीं जा पाएंगे, तो हम ऊपर जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे और हम वहाँ से वाटरफॉल के फाइनल व्यूज देंगे, एंड ड्रोन शॉट्स हमें काफ़ी कूल मिल गए, तो लाइफ कभी भी रिस्क नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नो एडवेंचर इज ग्रेटर देन योर लाइफ, दैट इज द नंबर वन थिंग। तो वहाँ पे अंकिता है एंड हम अब बस ऊपर जा रहे हैं और व्यू पॉइंट से वाटरफॉल एंजॉय करने वाले, सो लेट्स गो।
वो कालू वाटरफॉल है और ये अंकिता है और हम कहीं तक तो जा रहे जहाँ से सब लोग बोल रहे हैं कि मस्त व्यू पॉइंट है। सो लेट्स सी कैसा होता है वो व्यू पॉइंट। एंड इफ यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि अभी बहुत 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 सारे और ऑसम ट्रैक्स बाकी है एंड बहुत सारे ऑसम वाटरफॉल्स भी बाकी है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी, लेट्स गो। ठीक है, काफी क्रेजी बारिश हो रही है एंड कालू वाटरफॉल के 3 स्टेप्स यहाँ से दिख रहे हैं एंड अंकिता व्यू एंजॉय कर रही है एंड हम और ऊपर जा सकते हैं बट हम जा नहीं रहे। सो हम बस यहाँ से व्यू एंजॉय करने वाले एंड कालू वाटरफॉल को पूरी तरह एडमायर करने वाले। जस्ट लुक एट द मैग्निफिसेंस ऑफ दिस वाटरफॉल, इट लुक्स सिंपली अमेजिंग। जैसे ही मैंने ड्रोन उड़ाया वैसे ही बारिश हो गई, एक मिस्टिकल मैजिकल वर्ल्ड में आ गए। अंकिता बोल रही है कि ऐसी बारिश है हमें हमारी डांसिंग इन द रेन वीडियो के लिए। एंड जस्ट लुक एट दिस ग्रैंड लोकेशन, इट लुक्स जस्ट सो क्रेजी। एंड इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि यहाँ पे हर जगह छोटे छोटे वाटरफॉल्स बनते जा रहे हैं। क्रेजी क्रेजी, पता नहीं हम कैसे वापस जाने वाले। क्या अनलिमिटेड सा वाटरफॉल लग रहा है, सीधा हेवन से आता हुआ एकदम क्लाउड्स के थ्रू एंड ख़त्म ही नहीं हो रहा और इस पर टॉप भी नहीं दिख रहा है। इस वैली को गॉड्स वैली क्यों बोलते हैं ये अब समझ में आ रहा है बिकॉज दिस इज़ लिटरली लुकिंग लाइक गॉड्स वैली कमिंग राइट फ्रॉम द हेवन्स।